बहुत दुख की और तकलीफ़ की बात है कि लता दीदी जैसी आर्टिस्ट हमारे बीच नहीं है आज, और हम लोग की हिंदुस्तान की शान थी वो, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कलाकार, और ऐसे कलाकार और पैदा नहीं होंगे इस युग में जो दीदी जैसी। और बड़ा प्यार था हमारे साथ, बहुत प्यार करती थी। तो अचानक आज ये सुन के एक हमें क्या सारे देश को धक्का लगा। कुछ ऐसी यादें जो याद ये कि गोवा में लास्ट 2014 में मेरा कॉन्सर्ट सुनने सामने बैठी हुई, 1.5 पौने 2 घंटा में गा रहा, और सुन के बड़ी खुश हुई, इतना खुश। बाद में मेरे से मिलने के लिए आई, मुझे ही बोलने लगी, अरे क्या आवाज़ दी है खास साहब आपको अल्लाह ताला ने। तो मैंने कहा कौन किसको बोल रहा है, ये मुझे आज भी याद है। लेकिन उस जैसी कलाकार, ऐसी सुरों की मलका बोला जाता था उनको, तो ऐसे कलाकार आज कहाँ पैदा होंगे, नहीं हो सकते। केंद्र सरकार ने 2 दिन के राजकीय शोक भी उनके लिए किया है, अशोक सम्मान मिला है, क्या कहना चाहिए? नहीं, उनको सम्मान तो मिलना ही चाहिए, और अगर सरकार ने 2 दिन का उनके लिए राजकीय शोक हर राज्य शोक जो किया है, तो बहुत अच्छी बात है अपने आप में। ये उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश का उन्होंने जैसा नाम रोशन किया है, तो वो चीज़ तो उनको मिलनी चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं, और भी ज़्यादा उनको मिलना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि दीदी को मैं बहुत बहुत ये कहना चाहूँगा कि तो उनकी आत्मा को, उनकी रूह को शांति दे भगवान अल्लाह ताला, और हमेशा उनको याद करेंगे। लता मंगेशकर जैसी, क्या लगता है कि सर आने वाले दिनों में कभी ऐसा उनकी जगह कोई ऐसा आ पाएगा? कोई जगह किसी की नहीं ले सकता। वैसे बहुत लोग हैं जो बहुत सुर में, हर आर्टिस्ट गाते हैं सुर में, लता जी जैसे नहीं हो सकते। लता दीदी थी, उनका कोई जोड़ नहीं, क्योंकि वो ऐसी सुर में रहने वाली, ऐसी हमेशा सुर में गाना, ये चीज़ बड़े गुलाम अली खान साहब कहते थे कि कैसे ये बेसुरी नहीं होती कभी, ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का कहना था। तो इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों का आशीर्वाद, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की दुआ उनके ऊपर, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्या आज केसर नम आंखों में आप क्या कहना चाहेंगे? आज क्या कहेंगे, और देखो जाना सभी को है, लेकिन यादें रहे, यादें रह जाती हैं। आज उनकी यादें हमारे दिल में हैं, हमेशा याद करेंगे, उनके गाने सुन सुन के सबके दिलों में है। सबके दिलों में वो बसी हुई हैं, तो हमेशा याद रहती हैं वो, तो याद रहेंगी, अमर हो गई वो। तो कोई एक गाना छोटा सा एक मैं टाइम आज, का, मैं प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इतना गला मेरा बैठा हुआ है। उन्हीं का कुछ उन्हीं गाना के बहुत से गाने बाद में मैं ज़रूर सुनाऊँगा, लेकिन आज मैं नहीं गा पाऊँ, माफ़ी चाहता हूँ मैं। लेकिन यही कहूँगा मैं उनको हमेशा के लिए, उनको अल्लाह ताला स्वर्ग में ले जाए, उनको जन्नत नसीब करे, ये मैं हमेशा दुआ करूँगा उनके लिए। माँ सरस्वती वाला जी थे मुखो लता मंगेशकर आज के देर निधन কিভাবে দেখছেন সঙ্গীত জগতে বা এই যে ইন্ডাস্ট্রিতে কত বড় একটা অনেক শোকের ব্যাপার? ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে, এরম লতা দিদি মতন আর্টিস্ট, ভারত রত্ন, তো ও এতনি বড় রত্ন থি আমাদের দেশ কি, আমাদের দেশের জন্য। তো আমার আর কিছু বলার নেই, শব্দ নেই আমার কাছে, আর কথা আমি কি বলবো, দিদি আমাদের মধ্যে নেই, এটা আমার আজকে খুবই দুঃখ। আমার কি সারা দেশের দুঃখ প্রকাশ করেছে, আর ভগবান উনকে আত্মাকে শান্তি দে। রাজ্য কেন্দ্র সরকারের দিক থেকে 2 দিনের শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে এটা খুব ভালো, এটা ওনার সম্মান। সম্মান করা, আর এটা কিচ্ছুই না, আরও বড় বড় সম্মান হবে। তো এটা ওনার প্রাপ্ত, যেটার গভর্নমেন্ট সরকার দিয়েছে, তো এটা খুব ভালো লাগছে। একটা আর্টিস্ট হয়ে এত বড় সম্মান পেয়ে
ভারত সরকারও ওনাকে সম্মান দিচ্ছে, সারি দুনিয়া সম্মান দিয়েছে ওনাকে, সারি দুনিয়া সম্মান যাকে করেছে। তো এটা তো কিছু, আমার সঙ্গে যখনই বম্বে মাঝে মাঝে ওনার প্রোগ্রামেও আমি গেছিলাম, তো আমার সঙ্গে সবসময় গান বাজনা নিয়ে কথা বলতেন, গান বাজনা নিয়ে চর্চা, কে আপকো ক্যা সুন্দর গলা দিয়া, কিতনি গোয়া গোয়া বালা কেস মে বললে, বম্বে মে ভি এসেই বলতে। ও মেরে নানা কে সাথ মেরে আমার যে দাদু উস্তাদ নিসার হোসেন খা সাহেব, ওনার বাবা উনি বলতেন আমাকে, কে পিতাজি বলতেন নিসার হোসেন খা সাহেবকে তানে ছুটতান বলতান, ও বহুত ফলো করতে থে, উসকো খুব মানতেন, আমার দাদুকেও খুব সম্মান দিতেন। তো এটাই আজকে বলবো, কে আবার ওনাকে ভগবান শান্তি দিক, উনকো জন্নত মে লে যায়, এই আমার প্রার্থনা ভগবান আল্লাহ তালাকে পাশ করতে। বহিণাবাইঞ্চি জাত্যাবরচি ওবি, म्हणजे 24 तास।